भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत ने अपने 20 सैनिकों को खो दिया। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में देश के वीर सपूतों ने सीमा की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस घटना के बाद पूरे देश में शोक का माहौल बना हुआ है। शहीदों की शहादत पर पटना के बुद्धा कॉलोनी स्थित भारतीय सब लोग पार्टी के कार्यालय में भी शोक मनाया गया। इस शोक सभा में भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार, अध्यक्षा रेणु कुशवाहा समेत कई कार्यकर्ता शहीद सैनिक को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आज बहुत ही भारी मन से भारतीय सब लोग पार्टी शहीद कर्नल संतोष बाबू की हम लोग श्रद्धांजलि मना रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है, 45 वर्षों में देश में ऐसी घटना नहीं घटी। आज केंद्र में इतनी सशक्त सरकार की रहते ये घटनाएं घट रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी, आप बहुत सशक्त हैं, भारत की जनता ने आपको भारी बहुमत से जिताया है। किस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है देश पर, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे चीन से हो, जबकि हमेशा श्रद्धेय जौहर साहब कहा करते थे कि चीन ज़्यादा खतरनाक है, और आज चीन ने अपना रंग दिखा दिया, तो आज अपना वो शक्ति का, वो हनुमानी शक्ति का, वो बाहुबली शक्ति का, वो उसका प्रयोग करें और चीन को दो टुकड़े करने का काम करें। और जो भी कंपनियां देश में आई हुई हैं चीन की, उस सारे को बाहर करने का काम करें। और मैं भारतवासियों से भी कहना चाहूँगी कि एक भी चीनी सामान को आप उपयोग नहीं करिए, पैसा के लालच से कुछ नहीं होगा, देश बचेगा तो सारा चीज़ हो जाएगा। अमेरिका ने हिरोशिमा और जापान पर जो एटम बम गिराया था, आज तक जापान उसका बदला ले रहा है अमेरिका से, एक भी अमेरिकी सामान को उपयोग करने नहीं दे रहा है, जापान आने नहीं दे रहा है। इसलिए हम भारतवासी वीर बहादुर हैं, हम लोग भी चीनी सामानों का उपयोग नहीं करें, इसको बाहर भेजने का काम करें। और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी संतोष बाबू शहीद उन 20 हमारे वीर बांकुरे सैनिकों का जो अकाल शहीद हो गए, मृत्यु के मुख में समा गए, चीन अपना रंग छोड़ दिया। इसीलिए प्रण लेना है कि चीन को मिटाना है और भारत से भगाना है। कि हम एक भी चीनी सामान का उपयोग अपने जीवन में नहीं करेंगे, और ऐसा करना जघन्य अपराध है, राष्ट्र के खिलाफ एक कुत्सित प्रयास है। इसलिए संकल्प के साथ चीनी सामानों का बहिष्कार न करना चाहिए, और केंद्र सरकार को भी इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। साथ ही जो हमारा व्यापारिक संबंध है चीन के साथ, इसे अविलंब खत्म करना चाहिए। भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर मई से जारी तनाव अब काफी बढ़ गया है। बता दें कि गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। गलवान घाटी में हुई इस हिंसक झड़प में भारत के लगभग 20 जवान शहीद हो गए। पूरे देश में इस घटना के बाद मातम पसर गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।